हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र 2019। ठीक है, इसमें हम लोग देख चुके हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, और हम लोग बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में। तो इसमें ए पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, अंतरराष्ट्रीय संबंध देख लिया था। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग अंतरराष्ट्रीय विकिरण के बारे में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकिरण आपको बता दें, फिर से बता देता हूँ, इन जितने भी हमारे लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं ये सभी आपको समसामयिक की घटना चक्र जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है प्लेलिस्ट में उसी में डले हुए हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं बी पार्ट को, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बी पार्ट देखते हैं हम लोग। इक्वाडोर ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई। पांच देशों यथा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला के मध्य बगदाद इराक में एक समझौते पर हस्ताक्षर के द्वारा हुई थी। वर्तमान में ओपेक की सदस्य संख्या 14 है। 1 अक्टूबर 2019 को इक्वाडोर ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा। याद रखिए, इक्वाडोर सरकार के अनुसार देश की वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। इक्वाडोर ओपेक में वर्ष 1973 में शामिल हुआ, लेकिन स्वैच्छिक रूप से 1992 में इस संगठन से बाहर हो गया। तत्पश्चात वर्ष 2007 में इसे पुनः ओपेक के सदस्य देश हो गया। इक्वाडोर के बाहर होने के पश्चात 1 जनवरी 2020 से ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 13 रह जाएगी। और याद रखिए, 1 जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। तो याद रखिए, 1 जनवरी 2019 को कतर ने छोड़ी और 1 जनवरी 2020 से इक्वाडोर भी छोड़ देगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। भारतीय नन मरियम थ्रेसिया संत घोषित। कैथोलिक ईसाई यद में संत की उपाधि दिए जाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं समय के साथ है। यह प्रक्रिया 13वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिसे तत्कालीन पोप ने आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रक्रिया में संत घोषित करने के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में काफी लिखा पढ़ी और बहस और जांच होती है। इस प्रक्रिया के तीसरे और चौथे चरण में कम से कम एक चमत्कार का उदाहरण आवश्यक होता है, जो कि उस संत द्वारा या उसकी समाधि पर की गई प्रार्थना द्वारा किसी असाध्य रोग के ठीक होने के रूप में होता है। वेटिकन की एक समिति इस चमत्कार की जांच कर जब इसकी पुष्टि कर देती है तो पोप वेटिकन के समारोह में संतत्व की अधिकार की घोषणा की जाती है। 13 अक्टूबर 2019 को रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी स्टेट सेंटर पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक विशेष प्रार्थना सभा में भारतीय नन मरियम थ्रेसिया सहित 5 व्यक्तियों को संत घोषित किया है। मरियम थ्रेसिया ने केरल के तैसूर में मई 1914 में कॉन्गीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली की स्थापना की। मरियम थ्रेसिया के साथ ही ब्रिटिश कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन, स्विस लेगुअन मार्ग्यू राइट पेज और ब्राजील की सिस्टर डुल्स लोब्स और इतालवी की सिस्टर जूसेपीना बिनिनी को भी संत की उपाधि दी गई है। इस समारोह में विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2019 को अपनी मन की बात में सिस्टर मरियम थ्रेसिया को पोप द्वारा संत घोषित किए जाने का उल्लेख किया था। उल्लेखनीय है कि मरियम थ्रेसिया सहित साइरो मालाबार चर्च की कुल 4 व्यक्तियों को अब तक संत घोषित किया जा चुका है। इस चर्च के संबंध 3 अन्य व्यक्ति जिसे संत घोषित किया गया, सिस्टर अल्फोंसा, फादर कुरिया कोस चवारा और सिस्टर यूफेसिया। ठीक है, याद रखिए, मरियम थ्रेसिया
सिस्टर अल्फोंसा, फादर कुरिया कोस चवारा, सिस्टर यूफिसिया। अब बात करते हैं हम लोग अबू धाबी में विश्व की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमता विश्वविद्यालय खोला गया है। 5 साल पहले तक शायद बहुत से लोगों ने यूएई की कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में कल्पना नहीं की होगी। इस सोच में बदलाव तब आया जब 2017 में यूएई संयुक्त अरब अमीरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अब यह देश अबू धाबी में विश्व के पहले स्नातक स्तर के एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करके इस देश में दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। 16 अक्टूबर 2019 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय का अबू धाबी में उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम है विश्वविद्यालय का मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इस विद्यालय का नामकरण अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के नाम पर रखा गया। यह विश्व का प्रथम स्नातक स्तरीय अनुसंधान आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय। सितंबर 2020 में अबू धाबी स्थित मसदर शहर में परिसर में विश्वविद्यालय का पहला सत्र प्रारंभ होगा। बात करते हैं आगे हिंदी कुछ। अबू धाबी की तीसरी और न्यायिक भाषा बनी हुई है हिंदी, ठीक याद रखना। 9 फरवरी 2019 को अबू धाबी यूएई न्यायिक विभाग ने हिंदी को न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। अभी तक अबू धाबी की अदालतों में अरबी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी भाषियों की बढ़ती जनसंख्या के कारण हिंदी को न्यायिक भाषा बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है याद रखिए। आगे बात करते हैं हम लोग जल संकट से घिरे भारत के बड़े जल दबाव सूचकांक। जल संकट से भारत के बड़े जल दबाव सूचकांक जुलाई 2019 में लंदन स्थित फर्म बेरिशिक मैपल क्राफ्ट द्वारा उपराष्ट्रीय जल दबाव सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक घरों उद्योगों और कृषि क्षेत्रों को की जल खपत दर तथा नदियों और झीलों में उपलब्ध जल संसाधन को मापता है। जल दबाव सूचकांक वाटर एंड स्ट्रेस इंडेक्स के अनुसार भारत जल संकट के संदर्भ में विश्व का 46वां सर्वाधिक जोखिमपूर्ण देश है। भारत के 20 बड़े शहरों में से 11 शहर अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में तथा 7 शहर उच्च जोखिम वाली श्रेणी में है। सूचकांक के अनुसार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, नासिक, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, देख लिया, इंदौर, कानपुर, आगरा, लखनऊ जैसे बड़े अत्यधिक जोखिम वाले शहरों में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि 6 अगस्त 2019 को विश्व संसाधन संस्थान द्वारा एक्यूडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार भारत दुनिया के 17 अत्यंत जल दबाव वाले देशों में 13वें स्थान पर है, याद रखिए। इस एटलस के अनुसार भारत में सतही जल और भूजल दोनों का अत्यधिक दोहन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1990 से 2014 के बीच उत्तर भारत में भूजल की स्तर प्रति वर्ष 8 सेंटीमीटर से अधिक दर से घट गया है। उत्तर भारत में चंडीगढ़ सबसे अधिक जल दबाव वाला राज्य रहा है, जिसके बाद हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान है। एटलस के अनुसार दुनिया के 17 देश सर्वाधिक जल दबाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये 17 देश कौन कौन से हैं? कतर, लेबनान, इजराइल, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इरिटिया, संयुक्त अरब अमीरात, सैन मारिनो, बहरीन, भारत, पाकिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, बोत्सवाना, ठीक है। अब बात करते हैं मुंबई और हैदराबाद। मुंबई एवं हैदराबाद यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुए। कौन से? मुंबई, हैदराबाद यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क
का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण स्तर पर सतत विकास के एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता प्रदान की। इस नेटवर्क में शामिल शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करने तथा स्थानीय स्तर पर अपनी विकासात्मक योजनाओं के केंद्र में रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योगों को स्थान देने के साझा उद्देश्य से मिलकर कार्य करते हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया। ये हैं शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के महानिदेशक आंदे अजोली ने 66 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया है। इस प्रकार अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या 246 हो गई। जिन 66 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया उनमें 2 भारतीय शहर हैं। कौन कौन से? मुंबई हैदराबाद। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2015 में जयपुर शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में, वाराणसी संगीत के क्षेत्र में को वर्ष 2017 में, चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में को यूनेस्को को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शहर दिवस के रूप में घोषित किया है। बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, रूस द्वारा अनुसमर्थन। वर्ष 2015 का रूस पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए UNFCCC के पक्षकारों द्वारा हानिकारक गैस के उत्सर्जन कम कर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु किया गया एक समझौता है। इस समझौता के तहत 21वीं शताब्दी के औसत तापमान में और पूर्व औद्योगिक युग के औसत तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। देश का यह प्रयास होगा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक रखा जाए। साथ ही इसमें विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु $100 बिलियन प्रति वर्ष देने और भविष्य में इसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाने की बात भी कही गई। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू है। 7 अक्टूबर 2019 को रूस ने पेरिस समझौते का अनुसमर्थन कर दिया। इसके साथ ही रूस पेरिस समझौते में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। यातब है कि रूस ने इस समझौते पर अप्रैल 2016 में हस्ताक्षर किया था किंतु अपने राष्ट्रीय कानून के आधार पर इसे लागू करने में असमर्थ था। पेरिस समझौते के अनुसमर्थित करने के पश्चात रूस पेरिस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। इस प्रकार पेरिस समझौते का अनुसमर्थन करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 187 हो गई। हालांकि UNFCCC के अंतर्गत एक गैर एनेक्स सेकंड देश के रूप में रूस विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को संचालित करने के लिए वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं होगा। 4 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से बाहर होने के अपने निर्णय से अवगत कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र UN को एक औपचारिक अधिसूचना प्रेषित कर दी है। इस प्रकार पेरिस के समझौते के अनुसार अनुच्छेद 28(1) तथा 2 के तहत अमेरिका 4 नवंबर 2020 को इस समझौते से बाहर हो जाएगा। याद रखिए 4 नवंबर 2020 को इस समझौते से बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्राजील में भारतीयों को वीजा मुक्त विदेश प्रवेश। अप्रैल 2019 में ब्राजील की सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पर्यटन, व्यापार, कला या खेल गतिविधियों में भाग लेने के उद्देश्य से
यात्रा करने वाले अमेरिकी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के वैध पासपोर्ट धारी यात्रियों को ब्राजील में वीजा मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। ब्राजील सरकार का यह निर्णय 17 जून 2019 से प्रभावी होगा। उपयुक्त देशों के नागरिक 90 दिनों की अवधि तक बिना वीजा के ब्राजील में निवास कर सकते हैं। इस अवधि को एक बार 90 दिन के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ब्राजील सरकार के इस निर्णय का प्रभाव यह होगा कि उपयुक्त 4 देशों से ब्राजील आने वाले पर्यटकों की संख्या में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। 24 अक्टूबर 2019 को ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने अपनी चीन यात्रा के दौरान पर्यटन तथा व्यावसायिक उद्देश्य से ब्राजील की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों हेतु वीजा प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने की अपनी योजना की घोषणा की है। ब्राजील ने भारत के साथ चीन के साथ चीन के नागरिकों को भी यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2019 में के प्रारंभ में सत्ता में आए बोल्सोनारो ने अपनी तरह की इस प्रथम पहल के तहत विकसित देशों के पश्चात इन दो विकासशील देशों को भी यह छूट प्रदान की अपनी मंशा जाहिर की है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान भारतीय पासपोर्ट धारक को ब्राजील यात्रा करने हेतु एक वैध वीजा की आवश्यकता होती है, जबकि भारत के सरकारी एवं राजनयिक पासपोर्ट धारक बिना वीजा प्राप्त किए 90 दिनों तक की अवधि के लिए ब्राजील की यात्रा कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा मित्र देशों जैसे ब्राजील के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई है। ई वीजा निम्न श्रेणियों में उपलब्ध है: ई पर्यटक, ई व्यवसायिक, ई चिकित्सा, ई चिकित्सीय परिचारक और ई कॉन्फ्रेंस। उल्लेखनीय है कि भूटान, फिजी, मॉरिशस, सेनेगल, सर्बिया आदि देशों ने भी भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्ति की सुविधा प्रदान की है। अब बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर समझौता। 26 नवंबर 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शिलान्यास कर किया। ये मानगांव जिला गुरदासपुर पंजाब में किया गया था। करतारपुर कॉरिडोर भारत के पंजाब प्रांत के गुरुदासपुर में स्थित डेरा बाबा नामक से शुरू होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला नरोवल में स्थित करतारपुर को जोड़ता है। पाकिस्तान के क्षेत्र में निर्मित होने वाले कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को किया। उल्लेखनीय है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत के सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान रावी की नदी तट पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा बिना वीजा के कर सकेंगे। ज्ञातव्य है कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। 1539 में वहीं शरीर त्याग दिया था। वहीं दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक में गुरु नानक जी ने लंबे समय तक वास किया। वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ मनाई गई है। करतारपुर कॉरिडोर के बेहतर संचालन के लिए 24 अक्टूबर 2019 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य समझौता हस्ताक्षर हुआ। कॉरिडोर के संचालन की विधियों में 0 पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा डेरा बाबा नामक में दो देशों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई, जो इस प्रकार है: सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्री और भारतीय मूल के इस कॉरिडोर का उपयोग कर सकेंगे। यह यात्रा वीजा मुक्त होगी, लेकिन तीर्थयात्रियों को एक वैध पासपोर्ट साथ ले जाना होगा। इस यात्रा हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने देश के पासपोर्ट के साथ OCI समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता कार्ड ले जाने की आवश्यकता है। गलियारा सुबह शाम तक खुलेगा। सुबह यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उसी दिन लौटना होगा। यात्रियों के पास अकेले समूह में जाने और पैदल यात्रा करने का भी विकल्प होगा। कुछ विशेष अधिसूचित दिनों को छोड़कर गलियारा वर्ष भर चालू रहेगा। विशेष दिनों की जानकारी पूर्व में ही दी जाएगी। भारतीय यात्रा की तिथि से 10 दिन पहले यात्रियों की सूची पाकिस्तान को भेजेगा। यात्रा की तिथि से 4 दिन पूर्व तीर्थयात्रियों को पुष्टिकरण भेजा जाएगा। पाकिस्तान पक्ष ने भारत को लंगर और प्रसाद के वितरण के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का आश्वासन दिया है।
पाकिस्तान द्वारा यात्रा के लिए प्रति 20 अमेरिकी डॉलर की दर से सेवा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि भारत द्वारा इस शुल्क का विरोध किया गया। 9 नवंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने डेरा बाबा नानक गुरदासपुर पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर के एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। तीर्थ यात्रियों के पहले जत्ते को रवाना किया। यह एकीकृत चेक पोस्ट भारतीय तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा को सुगम बनाएगा। अब यही बात कर लेते हैं गुरु नानक देव की 550वीं जयंती। प्रमुख तत्व। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज स्थापित किया गया। बर्मिंगम विश्वविद्यालय यूके के अतिरिक्त कनाडा के विश्वविद्यालय में भी गुरु नानक देव जी की पीठ स्थापित की गई। 28 अक्टूबर 2019 को एयर इंडिया ने 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की पूंछ पर इंक ओंकार को चिन्हित किया है। पाकिस्तान सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक, बात करेंगे आगे हम लोग बगदादी का अंत। ठीक, कॉरिडोर हो गया हमारा, ये करतारपुर कॉरिडोर हो गया। अब आगे कहेंगे बगदादी का अंत।